सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने पासपोर्ट के लिए 2024 में अप्लाई करते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बस इस वीडियो के अंदर बने रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे ही नॉलेज वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो 2024 में, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला आपका आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड। जी हाँ, आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। पैन कार्ड नहीं है कोई इशू नहीं है, आधार कार्ड के बेस पर भी बन जाएगा। कंडीशन एक है और वो ये कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले आप जो डॉक्यूमेंट अपने पासपोर्ट में लगाने जा रहे हो, मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ही लगाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो फ़ोटो है ना, वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो 3 महीने से पुराना है तो हो सकता है पासपोर्ट अधिकारी ना पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस अधिकारी आपको ऑफिस से लौटा दे। ऐसा ना हो इसलिए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो फ़ोटो है, जो एड्रेस है, वो अपडेट करवा लें। और जो जरूरत के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 की मार्कशीट है तो 10 की मार्कशीट, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर और आधार कार्ड का फुल प्रिंट आउट लेके जाएं। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड किसी को भी 1 रुपया रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ओनली 1500 से 2000 रुपये पे करने हैं। अगर आप 30 पेज का पासपोर्ट बनवाते हो तो 1500, अगर 60 पेज का बनवाते हो तो 2000 रुपये, और ये सीधे सरकार को पे होंगे और किसी के पास नहीं जाने। इससे हटके किसी को 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप पासपोर्ट के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। पासपोर्ट का कस्टमर केयर नंबर आपको गूगल क्रोम पर मिल जाएगा। अगर आप सीधा गूगल क्रोम में लिखते हो पासपोर्ट कस्टमर केयर नंबर तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। पूरी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही नॉलेज वीडियो देने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।